तो आज मैंने देखा सिनेमा बंडी, ये एक नेटफ्लिक्स पे आई हुई नई तेलुगु फिल्म है जिसके सभी के सभी एक्टर्स मेरे लिए तो नए हैं। उसके बाद इस फिल्म की जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटा और 30 मिनट के आसपास है। अगर हम कहानी के बारे में बात करते हैं तो एक ऑटो ड्राइवर होता है, ऑटो ड्राइवर को एक बड़ा सा कैमरा मिलता है, उस कैमरे से वो एक सिनेमा शूट करना चाहता है। क्या वो रिक्शा ड्राइवर सिनेमा का शूटिंग कर पाता है? नहीं। वो कैमरा किसका है? क्या वो कैमरे की जो हकदार है उनको मिलता है या नहीं? ये पूरी की पूरी कहानी है इस फिल्म की। बहुत ही सिंपल वे में इन्होंने जो प्रेजेंट किया है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अगर मैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करूं तो हमारे हीरो जो है, शायद उनका नाम रामचरण है, नहीं नाम ठीक से मुझे पता नहीं है क्योंकि ज़्यादातर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला। उसके बाद मरदेश बाबू जो कैरेक्टर का नाम है, उनका काम मुझे काफ़ी पसंद आया। वो काफ़ी हंसाते हैं इस फिल्म में। पूरी की पूरी फिल्म को आप अपने पूरे परिवार के साथ ज़रूर देख सकते हैं। ये एक सिंपल फिल्म है, ज़्यादा कुछ बजट नहीं है, कोई बड़ा हीरो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही एंटरटेन करती है ये फिल्म। मुझे तो ये फिल्म काफ़ी पसंद आई। मैं इस फिल्म को देता हूँ 4 out of 5। अगर आपने पहले भी ये फिल्म देखा है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।